हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 6 और हम उठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। हमारा डोलू भी सो रहा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, और आज के ब्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बोल रहे हैं सख्त झूठ, क्योंकि सुबह के बज चुके हैं 11 और अभी तक चुल्लू में पड़े हुए हैं। तो अभी अभी हम उठते हैं, होते हैं रेडी। डोलू शफू भी दोबारा सोए हैं एक्चुअली, तो रेडी होके फिर जाते हैं ऑफिस। और आज हम एक्टिवा पे थोड़ा सा सोच रहे हैं कि वो करें, घूमी घूमी करें, थोड़े से काम है। तो ना आज हम आपकी गाड़ी नहीं लेके जाते, क्योंकि गाड़ी लेके जाते हैं ना तो मार्केट में पता क्या होता है कि फिर ट्रैफिक में घंटा दो दो लग जाते हैं। तो आज हम एक्टिवा पे घूमेंगे, आपको भी साथ में घूमेंगे। मेरा दोस्त है। ओहो, उधर वाओ। सुबह सुबह खाने के बारे में सोचती, सुबह सुबह फ्रूट्स काटे जा रहे हैं, क्योंकि आज थर्सडे है और हम दोनों का फास्ट है। और तो भी नहीं आती फ्रूट्स में रहने पे ना, क्या नहीं आती है? नींद नहीं आती, अनाज खाने से नींद आती है। तो बस अभी वैसे तो यही है कि आज दिन में फ्रूट्स खाने हैं, एक ही बार खाते होते हैं। हम तो अभी 12 बज चुके हैं, अभी खा लेते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं खाएंगे। और आपने क्या खाना है? रोटी ला के दूं क्या आपको? दो परौंठे तीन रोटी नहीं, मैं आप बैंगन का भरता है रात वाला, उसके साथ ही दूंगी। तो मेरी यहाँ हो रही है मेरी काम, और दीदी बना रहे हैं चोटी। मैंने अपनी भी आज चोटी बनाई है और इसकी भी चोटी बना रही हूँ। मैंने सोचा जिसको चोटली बना के ऑफिस में, तो अभी बना के फिर दिखाती हूँ तेरे को, ठीक है? अभी तो इसको बंद कर। क्या कलाकारी दिखा रहे हो आप? कलाकारी दिखा रही हूँ और क्या, चोटी कर रही हूँ अपने जैसे मैंने की। दिखाना आपको, दिखाना। मैं सेंटर पार्टीशन करती हूँ ना, तू साइड पार्टीशन, साइड पार्टीशन करती। तेरे पे सेंटर नहीं सूट करता, दैट्स व्हाई। तो चोटी होने लगी है भाई यहाँ पे, कौन से वाली? खजूरी गोत, खजूरी गोत। बोल बोल के थक गए हैं कि भाई सब तैयार हो जाओ, नहा लो धो लो, और वहाँ पे क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? चलो ऐसा टाइम पास कर रहे हैं ये दोनों तीनों, ला देख ले। इधर से देख ले, इधर से आके इसकी वीडियो। क्या करना, अदरी हो गई, लेट नहीं हो रहे हैं? तो चले जाओ, आ रहा हूँ मैं नाते ना। तुम्हें सुबह से 10 बार बोल चुका, 15 बार ये लड़का कि मैं ना आ रहा हूँ, मैं ना आ रहा हूँ। उठ जो यार नन्ना, उठ गया। नेक्स्ट ऑर्डर दो ना लो अब। ना लिया। कुछ नहीं है इनको, कुछ नहीं हो सकता। अभी करके आऊंगा पोटी, एक मार भी गया। तो यू रेडी? रेडी, बिल्कुल रेडी। आज आप चले फिर सलून, बिल्कुल चल सकते हैं। हमारा तो ब्याह चल रहे हैं, इतना तैयार होके सूट फिर पहनने का मौका नहीं मिलता कोई ना, कभी कभी रील रूल बनाने के पास। चलो चलिए। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं सलून के लिए, और आज का वेदर कुछ इस टाइप का है कि ना धूप है ना छांव है, और हमने ये वेलवेट के चक्कर में ना सूट तो वेलवेट के पहन ली, उल्टा नहीं करते वैसे हम। और धूप फिर चली गई, हमने सोचा कि ऊपर कुछ जरूरत नहीं है लेने की। पर ऑफिस में अंदर हीटर लगा रखा होता है तो गर्मी होती है, तब पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता। काम तो बाप उठा ही करता है वैसे। तो भाई सलून पहुंच चुके हैं, और आते ही बस गुरु जी को मत्था टेका, उधर पीछे साईं जी का आशीर्वाद लिया। अच्छा अच्छा काम तो बाहर काम चल रहा है। अभी अभी हम लोग एक राउंड ले लेते हैं, फिर यहाँ बैठ के सबसे हेलो हाय कर लेते, देख लेते चल क्या रहा है इधर, यहाँ पे फिल अपडेट ही था। बुत्ता में खाड़ियाँ 140603 क्या रह गई? प्रीता, प्रीता को बोल देते हैं ना। ये ना मेरे सब नंबर पे चल रहा है। तो भी आज वैसे तो हमारा फास्ट था, बट अभी घर नहीं पहुंचे हैं, तो स्वाति कर रही है शाम की पूजा यहीं पे ही। इधर हमारा काम भी चल रहा है, और साथ में यही इसी प्रसाद के साथ फिर फास्ट खोल भी लेंगे। कुछ मिल नहीं रहा तेरे को? वो नहीं मिल रहा। क्या अगरबत्ती? अगरबत्ती खत्म हो गई थी ना, याद ही नहीं रहा मंगवाना, कल मंगवा लेंगे। एक मिनट तो स्वाति प्रसाद लेके घूम रही है, और ना ले लो प्रसाद।
मुझे भी दे दे बहन, दो दो बात करने दे, एक मिनट ऐसे करके दो करूंगी दो जरा क्या उल्टा कर दिया तूने मेरे को, उल्टा नहीं क्या, अरे बाबा फिर उल्टी हो गई दो बर्फियां नहीं मेरे को, एक आपने ही सब आप कह रहे थे ना दो हाथ करके, मैंने कहा चल एक एक में दोनों नहीं नहीं दो हाथ करके प्रसाद लेते हैं ना, अपने बच्चे इतने भूखे हैं, कह रहे मैडम जो बचेगा ना प्लीज हमें सारा दे देना ये प्रसाद, टेस्टी होता है वैसे ना बेसन की बर्फी, तू भी ले 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 तेरे को मैं दे देती हूं। नहीं ये चाबी क्या कर रहे हो आप, ये इससे स्टार्ट थोड़ी होती है, मैं ऐसे करके ठा करके गोली मार लियो, मैंने भूख लगी है अब तो बर्फी खोलिए चले कहीं, मेरी हिम्मत नहीं है रोज रोज, ठीक है ना घर पे बना लो जाके, कल सब्जी लेके आया हूँ इतनी यार, हद करते हो ना, कब रोज घर पे तो बना रही हूँ, बहुत होगी अगर कल बना, रात की रात मैंने सब्जी घर पे बनाई थी एक बार समझ में, फिर क्या हुआ बैंगन का भरता बनाया था इसने, बैंगन मैंने बैंगन का बना ली तो आज और बना लो, भरता अच्छी बात है, वही भूखे अच्छा खाना खाओगे घर पे, तो तुम एक दिन बाहर खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ये रोज बाहर ही खाते हो यार, काम और करते हैं यार, पहले साग बनाता था फिर खुद बनाते हैं लड़के, एक दिन छोड़ दो फिर खाना 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 बाहर बिल्कुल ही खुद आते क्या क्या है, नहीं घर पे खाना, घर पे मैं नाम लोगी फिर कहाँ से खा लोगी, मैं बना दूंगा और कुछ तुम बनाते हो तभी चलता, रोज मैं बर्तन धोता हूँ, तब तो नहीं कहते मैं भी झूठा, इतने झूठ बोलने लगे ना, किस दिन तुमसे बर्तन साफ करवाए हैं यार, ना रोज की काम तो नहीं खिलाए तो सीधे मुंह बोल दिए, इतनी बातें बनाने की क्या जरूरत थी, बातें बनाने वाली क्या बात है इसमें, बात सीधी सी आगे घर पे बना लो, कल इतने फिर दो घंटे आता है जब सुबह से शाम तक भूखे हैं, हमने आपको कुछ बोला सुबह पराठे भी बना के, कौन से इसमें तंदूरी पराठे खा लिए, अरे सुबह ही तो खाए थे चार पराठे यार ना, हमेशा ऐसे करते हो जब व्रत रखती हूँ ना तभी तुम ऐसा करते हो, अगर नीचे चाहे रोज लेके चल जाओ बाद में, व्रत का क्या है इसमें, व्रत रोज ही होता है, एक ही टाइम खाते हैं वैसे भी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है रोज ही, खुद रोने से रखे देखा है कभी, रखे देखा व्रत रोने से, हर रविवार को पहले सवेरे उठे बंदा बोलेगा उठ ले नहा ले जोत कर ले व्रत तैयार, ये कहता हूँ ना, ये कहता हूँ भाई तू चल जाओ ऑफिस पे चल जाए, और सुबह आराम से कहता हूँ नहा ले खड़ी हो जाए जोत बत्ती कर ले, तो फिर मैंने भी बहुत दिनों बाद आज ही बोला कि बाहर खाते हैं मेरे से नहीं जाके, मैंने इतनी रील्स बनाई थकनी नहीं हूँ सारा दिन सारे काम करती हूँ, ठीक है कितने आज अकाउंट खुलवाए बच्चों के बैंक वाले आए हुए क्या किया उसमें, उसमें उनको बताया कि ये बच्चा इसका नाम इसकी जॉब क्या है सब कुछ, टाइम नहीं लेना पड़ता अगले बंदे को, अच्छा ऐसे बैंक वाला भाई बिठा रखा था वो पूरे दिन मां मेरी ले गया उन्होंने, अच्छा लड़ाई के बीच में आते वाला इसका जानना जरूरी होता है मूड डाइवर्ट करने के लिए, इतने एक मिनट फ्रेम से बाहर ना जाओ, एक मिनट स्वाति बता वो क्या सुन तो नहीं, आज सुन रही हूँ बताओ, सुन तो रहा हूँ बताओ, तेरे साथ करी नहीं मैं शांति पे हूँ, मैं साइड हो जाऊंगी चुप करके, हाँ फिर दोनों एक बात हो जाओगे, मैं क्या बोल रही हूँ मेरी बात सुन लो, सुना अंकल का अकाउंट खोल रहा था वो अकाउंट वाले आए हुए थे सर वो बैंक वाले, तो वो अंकुश को बोलते कि आर यू मैरिड, तो अंकुश बोलता कि हाँ जी मैरिड हूँ, नहीं पहले अंकुश से उन्होंने पूछा तेरी मम्मा का नाम बताओ, माँ का नाम अपनी हरियाणी टूके जाए करो 24 घंटे कहा नहीं है, रिस्पेक्ट दे दिया करो, तो रिस्पेक्ट माँ सब तो सही है ना, नहीं पर वो थोड़ा वो हो जाता, उन्होंने बोला कि आपके मम्मा का नाम बताओ, ठीक है तो उसने बता दिया जो भी उसके मम्मा का नाम, तो उन्होंने हल्का सा पॉज दे के बोला कि मैरिड है ये नहीं बोला, बोलता उसने बोला मैरिड है, अंकुश बोलता हाँ जी मम्मी मैरिड है और ऐसे मोमेंट से मैं होती नहीं, तू तो हमेशा ही ऐसे मोमेंट में बाहर, तू गालियां खाने के टाइम पे मेरे सामने होती है आगे पीछे तू बाहर ही होती है, तेरे को दिल करता लड़ाई कम किया करो, हम दोनों बैठे लड़े भी नहीं कुछ करे, तुम्हें क्या मतलब, अच्छा
तुम्हें बात मैं पूछूंगी, रोटी खिला रहे हो कि मैं घर जाके खुद बना के खा लूं? कराली बेचती खुद बना के खा लूं। मैं खोलूंगी। बोल लिया बट तो आपने प्रसाद खा लिया अच्छा था खोलूंगी नहीं ना, देख अगर मैं आज खाना नहीं खाऊंगी मेरे को वीकनेस आ जाएगी। नहीं सुबह भी मैं उठ के बोलूंगी ना सिर दर्द हो रहा है, फिर चाय के साथ रोटी पानी करना पड़ेगा। तो मैं सुबह ना एक चीज क्या दिखाओगे? क्या ये देखो क्या दिखा रहे हो? मैं खा रहा हूँ ये परांठा और चाय, और ये देखना क्या खा रहे हैं। दीदी रिकॉर्ड कर रखा है। तो फ्रूट तो सुबह खाए थे हमने व्लॉग में भी बताया कि हम फ्रूट खा रहे हैं। एक प्लेट इतनी भरके वो खा रखे, वो सारी नहीं खाई थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं होता, चार ही खा रहे। तो आपने भी तो चार पराठे पूरे अंदर डकार रखे हैं। चार परांठे नहीं खाए, मेरा फोन आ गया। एम बीजी हिज बीजी दीदी हेलो ये क्या अरे ने ओ मेरी तो सुन ले बापू ओए लाइट मारिया इस पे लाइट मार लाइट नहीं है क्या नक्कू हां जी अब बताऊंगा इसको क्यों खोल रखा है तो गई है फिर यही है क्या बस यही है ये अरे नहीं जो दूसरी ब्लैक है कि वो का है जैकेट शॉल शॉल ये तो है। यार ब्लैक शॉल पहले जो बोल रहा था तू मिल गई है। हाँ ये वाली हाँ हाँ एक ये एक दीदी वाला और एक जैकेट बस तीनों चीजें लेके आनी है। आजा फटाफट आजा भाई हमें लग रही थी अभी ठंड और हमारी जो राखी है वो भी फुल स्वेटर स्वेटर पहन के आएगी पर उसकी तबीयत सी खराब हो गई है तो उसे भी जैकेट मंगवा के दिए नकू लेके आ रहा है और हमें भी दो शॉल मंगवाई है क्योंकि हम सुबह ना बड़े अकड़ अकड़ में वैसे तो वेलवेट के सूट पहन के आए थे ऑफिस में तो बड़ा वेदर अच्छा अच्छा कोजी कोजी पर जैसे ही बाहर निकलेंगे फिर ठंड हो जाएगी तो और आज ना आपकी बहुत तारीफ हो रही है सूट में। ये सूट अच्छा है इसका कलर बहुत प्यारा है पिछले साल नहीं है मैं इसका जुगाड़ बताती हूँ ये था एक स्टॉल ये वाला जो कुर्ता है जो कुर्ता है ये मैंने बनाया जो बॉर्डर होते हैं ना दोनों साइड ऐसे फोल्ड करते हैं ना मतलब अब तेरे को मैं सही से बताती हूँ बताओ सुबह समझ नहीं रही थी ये तू स्टॉल लगा हाँ। ठीक है इसका इसी तरह से मैंने सेंटर में से कुर्ता निकाल लिया ऐसे ठीक है वो थोड़ा ज्यादा खुला चौड़ा था तो ये कुर्ता हो गया नीचे इसके बॉर्डर आ गया जो इसके साइडों में बॉर्डर लगा हुआ था ना वो मैंने ये कपड़ा अलग लिया और इसके नीचे लगा दिया हाँ। और जो एक साइड से आगे से थोड़ा लंबाई ज्यादा थी वो बची थी ना उनकी ये बाजू बुलानी थी ये और ये सेम है तो ऐसे करके मैंने एक स्टॉल आया था ये शायद 450 का समथिंग था वेलवेट का और इस स्टॉल के साथ ये 150 का ये कपड़ा लिया था और सूट बना लिया ये चुन्नी मंगवी किसी और सूट की ले ली और वैसे डिजाइनर सूट लग रहा है ये प्रॉपर पता है अच्छा लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्टिचिंग भी करते हो भी इतनी अच्छी अब छोड़िए स्टिचिंग पहले तो मैं स्टिचिंग मैं करती मैं थी अब मुझे वो जो सिलवाए हैं सूट उनके सलवारें नहीं पसंद आ रही क्योंकि उनके सिलवट ही नहीं अजीब सी है ना अजीब सी सिली है उसने अब थोड़ा सा काम जब ज्यादा होता था और ठंड थी तब सिलवाए हैं सूट नहीं तो अब घर पे सिला करेंगे खास करके सलवार सलवार नहीं बाहर से पसंद आ रही ये तो है वैसे लड़सी इतने अजीब सी खुली खुली सलवार है ना सलवार अब गर्मियों का सूट घर पे ही सिला देंगे तो भाई नक्कू पहुंच गया है वो लेके जैकेट और हमारे शॉल राखी का हमने बता दिया था अभी तेरे को ठंड लग रही है और इसके आके पैरों को हाथ लगा रहा मैंने कहा कभी हमारे भी लगा दिए थे साढ़े पैरों नु की कंडे लग गए दस ऐसी छुई एक पैर बड़े छोटे वाली मासी दे इसको दीदी छोटे अभी मासी है कंजरा ओ मिनू दीदी आंदी तू ओनू दीदी आख्या कर इन्होंने गुस्सा चढ़ेगा आखेगी मेनू जज ना बनायो व्याह ही करायो बस मेरा के नाम पे इसके अंदर कुछ आ जाता है नहीं पता क्या दीदी एक ही चीज सेम रिपीट करते ना अरे बन जाता है और
जब तक तू जाजा बन जाता है फिर वही सेम चीज यूनिवर्स में घूमती है, फिर वही चीज पूरी होती है, ऐसा होगी नहीं मैमी यूनिवर्स में घूमती है फिर तो अभी तक जितने छड़े मर रहे हैं सारे मैं सोच रही थी तेरा 11 फेंकने का पर काम चला नहीं। ये पता क्या करती है भाई, चलो नॉर्मल सी बात आप बोलते हैं कि जब शादी होगी, बोलेगी फिर ये बात पूरी हो जाएगी तो भाई पहले जज बनेगी फिर भी तो हो सकती है जरूर थोड़ी। ये देखो पूरा फिट आया ब्रो। हाय हाय, तो इधर हमारा डोलू, हम आ गए घर पे सैलून से और डोलू की चल रही है खाई खेली 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 खेली। देख नहीं मैंने नहीं खेलना तेरे साथ, मैंने नहीं खेलना ये हाथ ऐसे कुछ चले आ देख छोटी सी क्या है क्या है बच। तो भाई सैलून से आके थोड़ी देर डोली चोलू के साथ खेल के और अभी कुछ खाना पीना भी खाया, बाहर से तो खिला के लाते तो बस उसी बात को लेकर लड़ाई आज। तो मैंने वैसे भी बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इसका है ही यही सिस्टम है। ठीक है क्या बोल रहे हो, आगे कंप्लीट करो, आगे कंप्लीट करो, एज यू विश, आगे कंप्लीट नेक्स्ट लाइन नहीं यार। तो भाई जो भी प्लीज नेम जितने भी व्यूअर्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करो। और आज सब लोग यही खत्म कर रहे हो? हाँ बस यही खत्म करते हैं ना, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग, वैसे ही मेरा मुंह ठीक नहीं, लड़ाई हुई है, तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।